तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11 और हमारा डिनर का काउंटर वहाँ पे लग गया है और अब हम लोग जाने वाले हैं डिनर करने के लिए। ये देखो मेरा भाई और ये मेरा दोस्त अपना डिनर रेडी कर लिए हैं, बैठ के खाने जा रहे हैं थोड़े टाइम में। अभी हम लोग भी खाएंगे। अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग ने थोड़ा सा नाश्ता किया था, इसके लिए हम लोग अभी डिनर नहीं करेंगे, थोड़े टाइम बात करेंगे। तो देख ले, बाकी सब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या चालू है। यहाँ पे सब डिनर कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आना हमारा वर्थ इट रहा, व्यर्थ नहीं गया। मजा आया ना ब्रो? यस ब्रो, बहुत ज्यादा गाइस जिंदगी में मिला आपको, मजा है। टाइम हो चुका है और भड़वे कुछ तो ढंग से बोल देता, क्या चल जाते हैं लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग भी आते हैं, अपना अपना खाना लेके आते। खाना लग चुका है, अब हम लोग खाना लेने जा रहे हैं। जो भी होगा चिकन और अंडा करिए। कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन ना टूटे, तुम्हें दे दिया। अभी खत्म हो गया यहाँ का जितना भी नजारा था, आज की रात का पूरा नजारा खत्म। अब अगली सुबह आपको मिलेंगे। और अभी ये देखो हमारा टेंट में आधी पब्लिक जा चुकी है सोने के लिए। या हमारे बाजू वाला कैंपिंग भी लगभग पूरी तरह से सभी पब्लिक अंदर जा चुके हैं। नहीं नहीं अभी तक कुछ लोग जाग रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को सुबह उठना भी है, तो इसके लिए जा रहा हूँ सोने के लिए। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली सुबह में बहुत ही धाकड़ ढांसू ब्लॉक के साथ। ये देखो यहाँ का नाइट व्यू बहुत ही शानदार है, यहाँ का नजारा रात का। जब हम लोग आए थे तब हम लोग को लगा नहीं था कि इतना मजा आने वाला है, लेकिन ब्रो जब पब्लिक आई तो क्या मजा आया ना। अच्छा हो तो है। जैसे जैसे यहाँ पे पब्लिक बढ़ने लगी वैसे ही यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया होने लगा। आज देखो अभी हम लोग फुल नाच गा के कैंप फायर एंजॉय करके डिनर करके अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो चले दोस्तों, मिलते हैं आपको सुबह में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 7:15, यानी कि सूरज के निकलने का समय तो हो गया है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे लोग कैंप के अंदर घुस के सो रहे हैं, क्योंकि इस समय भी यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे ही सूरज उग जाएगा हम लोगों का नाश्ता आ जाएगा। नाश्ता आने के बाद हम लोग वापस से अपने जाने की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है कि हम लोग कोई कोलगेट या ब्रश या कोई दातुन लेके नहीं आया, जिसकी वजह से अभी तक किसी ने ब्रश नहीं किया है। बस मैं एक छाड़ से लकड़ी तोड़ के दांत में ऐसे ऐसे घस के आ गया। यहाँ पे अगर देखता हूँ मुझे एक भी सुबह होने के बाद, मतलब सूरज आने के बाद एक भी आम का पेड़ या नीम का पेड़ दिखता है तो उसको तोड़ के मैं पहले दातुन करूँगा, वरना मेरे पास तो चिंगम है। चिंगम आज खा के अपना मुंह को साफ कर लूँगा, क्योंकि मुझे बिना माउथ फ्रेश के मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। थोड़े ही टाइम में हम लोग का लंच आ जाएगा, तो लंच करके वापस से अपनी गाड़ी का जुगाड़ करेंगे, जिससे कि हम लोग अपने घर पे जाने के लिए सक्षम हो पाए। दोस्तों ये है सुबह सुबह लेक का नज़ारा। मैं यहाँ लेक के पास लेक के अंदर आके बैठा हूँ और अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों सुबह हो गया है, अभी तक हम लोगों ने ब्रश नहीं किया है, लेकिन हम लोग अभी पास में ही एक आम का झाड़ दिखाए जा रहे हैं। अभी हम लोग उसको तोड़ के दातुन करेंगे। चलिए ना भाई, किधर भाई, इतनी ठंडी में तुम किधर जा रहे हो भाई? चल भाई प्लीज चल यार, क्या ये? चल चल प्लीज चल, जाके उस पेड़ पे से दातुन तोड़ने का ट्राई करते, सुबह सुबह कुछ एडवेंचर हो जाए। दातुन तेरे को मंगता क्या बिड़ू? दातुन साले वो लोग बिना ब्रश किए खाने वाले। हाँ ये सब बातें पारिवारिक माहौल है, वीडियो में नहीं बोली जाती। साहब जा रहे क्या ब्रो लोग सब सुबह सुबह? इसमें होगा ना ब्रश? हाँ ब्रो, हाँ ना, हाँ एक साले। इसमें हम लोग भाई जामुन का झाड़ है यहाँ पर, एक छोटा है काफी।
काम पच्चीस हो चुका है भाई। देखो हमने बात दातुंगा कर चुका जो मनु भाई ने चाहिए दातुंगा जुगाड़ कर चुके भाई सर। तो देखने तो लड़ रहा है बस की लेने से उधर चालिया रास्ते तो उधर से होएगा इसको प्रॉब्लम नहीं लग रहा अभी लाइन क्या फोन क्या बात है अब वो पत्थर छूंगा तुम लोग। तो गाइस आप लोग देख सकते हो सूरज उग चुका है पूरी तरह से, सूरज आ गया है बाहर और यहाँ पे सब लोग कुछ लोग निकल के अपने अपने घर भी जा चुके हैं और कुछ लोग सुबह का चाय और पोहा खाने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको खाने के बाद ही घर पे जाएंगे। चाय पोहा है सुबह का नाश्ता आ चुका है, सब लोग आ रहे हैं अभी नाश्ता करने के लिए। देख रहा हूँ नींबू भी मार के चाय भी नाश्ता उठाओ खाना शुरू कर दो। डील करेगा गांड पे लात खाएगा घर पे आके लात मारेगा अभी ले आना तो इसको तो दोस्तों अभी हमारे घर जाने की तैयारी चल रही है, तब तक हम लोग यहाँ पे आके हमारी गाड़ी आने वाली है, तब तक हम लोग यहाँ पे आके कुछ फोटोज वीडियो क्लिक कर रहे हैं ताकि यहाँ की कुछ यादें अच्छे से हमारे पास रहें और अच्छे से हम लोग वीडियो शूट कर पाए। ये देखो मैं हूँ। तो दोस्तों जा रहे हैं अभी हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी आके खड़ी हो चुकी है और पीछे से हमारे फंटर लोग भी फोटो शूट खत्म कर लिया और अभी हम लोग निकलने वाले हैं लोनावला स्टेशन, जहां से पकड़ेंगे ट्रेन मुंबई सेंट्रल के लिए, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे अपने घर पे। यहां पे ओवरऑल बता दूं यहां पे बहुत ही मजा आया हमको, एक रात कैंपिंग करके खाने पीने की सारी व्यवस्था यहां पे बहुत ही बढ़िया थी, सारी चीज़ों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, सभी को बहुत मज़ा आया और अभी हम लोग यहां से निकलने वाले हैं। सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं अपना अपना किट लेके। तो हमारी गाड़ी आके इधर खड़ी हो गई है, बस अभी जस्ट निकलने वाले हैं हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए और ये गाड़ी के अंदर से आखिरी बार देख लो इस पौना लेक को। मेरा तो फोटो ले आ दे। ये पौना लेक का आखिरी लुक जहाँ पर हम लोग रुके थे। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ लोनावला स्टेशन पे, ये देखो मेरे पीछे लोनावला स्टेशन है। टैक्सी वाले अंकल को उनका टैक्सी का भाड़ा दे दिया और अभी जा रहा हूँ ट्रेन का टिकट निकालने। ट्रेन का टिकट देखता हूँ दादर नहीं तो मुंबई सेंट्रल के लिए निकालूंगा। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई, लोनावला थे अभी, लोनावला से अपने ट्रेन का टिकट ले लिए मुंबई सेंट्रल जाने के लिए, CST जाने के लिए और अभी हम लोग लोनावला के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आने वाली है। ये चल 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 लगभग 2 घंटे के बाद हम लोग को ट्रेन में बैठने के लिए ऊपर का सीट मिला है। अभी हम लोग पहुंच गए बोरीवली स्टेशन और जा रहे हैं अपने घर पे। ये हमारी फंटर पूरी टीम इधर से जा रही है, हम लोग वहां से निकले थे 10 बजे लेकिन अभी बज रहे हैं 5:30, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हम लोग को घर पे पहुंचने के लिए। देख सकते हो यहां पे कितनी गर्दी है। चले दोस्तों मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।